हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि अभी आपने इतनी सारी न्यूज देखी होगी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी कि मारुति सुजुकी ने अपनी कार्स को रिकॉल करा है, जिसमें से एक नाम रिसेंटली लॉन्च अपनी ग्रैंड विटारा का भी था। मुझे ये नहीं पता था कि यार अपनी कार को भी रिकॉल करेंगे, बट कल ही मेरे पास नेक्सा से लेटर आया है जिसमें हमें भी रिकॉल करा है। तो मैंने सोचा आज के आज ही जाते हैं, क्या कुछ सीन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि लेटर में भी यहाँ पर लिखा है, अराउंड 8 अगस्त से 15 नवंबर के बीच में जो जो कार मैन्युफैक्चर हुई है उनको यहाँ पर रिकॉल करा है। स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको अटैच कर दूंगा, जिससे आपको इजी रहेगा पढ़ने में। अब ये अपडेट्स तो बहुत सारे लोगों ने शेयर कर दी थी, बट ये नहीं बताया था कि यार एक्चुअल में क्या चीजें चेंज करने वाले हैं। तो अभी हम डीलरशिप पे ही जा रहे हैं यूनितारा मोटर्स, वहां पर बताऊंगा, मैं पूरी वीडियो बताऊंगा क्या कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं। वैसे देखो, इसमें लिखा हुआ है कि रियर सीट बेल्ट माउंटिंग ब्रैकेट्स में कुछ पॉसिबल डिफेक्ट है, मतलब कंफर्म नहीं है, डिफेक्ट है नहीं है, बट मारुति सुजुकी सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है, इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेंज करने वाली है। क्या कुछ चीजें है, कैसा क्या सीन रहता है, सारी बातें वहां जाकर करते हैं। सो वीडियो पर बने रहना, स्पेशली जो कोई ग्रैंड विटारा ओनर्स है या ग्रैंड विटारा लेने का प्लान कर रहे हैं, सो उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए। अगर अभी तक आप हमारे ग्रैंड विटारा कम्युनिटी में ऐड नहीं हुए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो गाइस, डीलरशिप यहाँ पर आ गए हमारी यूनितारा मोटर्स, जो कि देवास मध्य प्रदेश में। एंड आप में से कोई ग्रैंड विटारा ओन करता हो और आप में से किसी को लेटर आया हो या आपने यूनिट चेंज करा ली हो, तो मुझे शेयर जरूर करना कमेंट में, जिससे मुझे भी अपडेट पता चल जाएगा। सो डीलरशिप पहुंच चुके हैं। सो अभी जॉब कार्ड बन रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो लेटर पे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है रियर सीट बेल्ट माउंटिंग ब्रैकेट के बारे में, तो फ्रंट से तो रिलेटेड कुछ भी नहीं है, रियर सीट बेल्ट माउंटिंग ब्रैकेट से इसके चेंज होने वाले हैं। सो वर्क पूरा हमारा स्टार्ट हो चुका है। सर कितने टाइम की प्रोसेस रहती है? एक से डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है। देख सकते हो अभी हमारे पार्सल ट्रे वगैरह हट गई है, रियर सीट्स खुलेगी, कैसा क्या होने वाला है आपको बताऊंगा, एंड क्या यूनिट चेंज हुई वो भी आपको अभी शो करने वाला हूँ। तो यार वीडियो पर बने रहना, अभी जस्ट आया था, काम पूरा चालू हो चुका है, मतलब थोड़ी तो लंबी प्रोसेस है, क्या क्या काम हो रहा है सारा आपको मैं बताते रहूंगा। So, पूरी सीट्स ओपन हो चुकी है। ये सॉकेट्स चेंज होंगे क्या अपने? नहीं, ये यहाँ अंदर लगे हुए हैं सीट बेल्ट, वो चेंज होंगे दोनों। तो देख सकते हो पूरा पैनल ओपन हो चुका है। मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं पूरी प्रोसेस दिखा रहा था, बिकॉज आप में से जैसे कि हमारे कम्युनिटी में अराउंड 8200 मेंबर्स ऐड है ग्रैंड विटारा ओनर्स, तो उन्हें भी ये चीज पता होनी चाहिए। दोनों पैनल्स भी खुल चुके हैं, बाकी आप सारा वर्क देखते जाओ, और क्या यूनिट चेंज होने वाली वो तो आगे आपको बताने वाला हूँ। और ये यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होने वाली है। तो गाइस देख सकते हो ये है मेन माउंट जो चेंज हो रहा है, और हमारे पुराने वाले अलग ही हटा दिए हैं। मारुति सुजुकी की जेन्युइन एक्सेसरी थे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बॉक्स भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पुराने पार्ट्स बता दिए थे, नए पार्ट्स यहाँ पर रिप्लेस हो चुके हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है क्या? क्या बताती है? लोड। अच्छा, इतना टाइट होना चाहिए। लोड ले जाओ आप। प्रोसेस तो लंबी थी, बट काफी जल्दी काम हो गया, अराउंड 20 से 25 मिनट्स में, बिकॉज आप देख सकते हो आज इतना रश भी नहीं है, ऑफ डे में आया हूँ, तो मतलब अब तो कंप्लीट हो ही गया ना पूरा, बस ये ट्रिम लगा। अच्छा, ट्रिम बची है ना, जो मेन हमारा पार्ट था वो तो हमने चेंज कर ही दिया, अभी कंक्लूजन में मैं आपको बाकी और चीजें बता दूंगा, बट क्या कुछ फिटमेंट थी, कितनी लंबी प्रोसेस है वो तो आपने आज की वीडियो में देख ही ली होगी। जेन्युइन पार्ट्स चेंज हो गए हैं, पुराने फिर से कंपनी के पास जाएंगे। देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग हो रही है, ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार हम ये ओपन कराएंगे तो कुछ नॉइज जैसा इशू, तो ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, प्रॉपर फिटिंग हो रही है मशीनरी से,
ऐसा आपको ऐसा इन फ्यूचर कोई नॉइस वाला इशू भी नहीं आने वाला है। ऑल राइट गाइज, हमारा रियर सीट बेल्ट माउंटिंग ब्रैकेट चेंज हो चुका है। वैसे तो लंबी प्रोसेस थी बट काफी अच्छा वर्क हो गया। करीबन 25 से 30 मिनट में मैं फ्री हो चुका हूँ। यूनितारा मोटर्स देवास मध्य प्रदेश में सारा काम हुआ है। एक्सपीरियंस एज यूजुअल काफी अच्छा था एंड जैसा कि आपने देखा था पूरे पैनल वगैरह ओपन हुए थे सीट से लेके सब, बिकॉज जो इसका ब्रैकेट था ना वो यहाँ पर रहता है तो पूरी उसके लिए पैनल ओपन हुए थे, प्रॉपर मशीनरीज थी। गेट पास भी आ गया, ठीक है, थैंक यू। ओके, ऑल राइट गाइज, गेट पास भी आ चुका है, बिल भी आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा वर्क हुआ है यहाँ पर एंड जैसा कि आप नेट अमाउंट यहाँ पर देख सकते हो जीरो। वीडियो को एंड करते हैं, सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो छोटी थी बिकॉज मोटिव इतना था कि आपको बताना था एक्चुअल में रिकॉल में क्या होता है। तो जो रियर सीट बेल्ट के माउंटिंग ब्रैकेट्स थे वो हमारे चेंज हो चुके। ग्रैंड विटारा कोई ओन करता है तो आप भी एक बार चेक कर लेना या नियर बाय डीलरशिप जाके आप विजिट कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू चैनल पर आए हो, अभी तक हमारी ग्रैंड विटारा कम्युनिटी में आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या कमेंट में आप नीचे डीएम कर देना तो मैं आपको ऐड कर लूंगा। बिकॉज ग्रुप में आपको ग्रैंड विटारा से रिलेटेड सारे अपडेट पता लगते रहेंगे। हम वहाँ पर अलग अलग मॉड्स या कुछ कार से रिलेटेड अपडेट सारे वहीं पर शेयर करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।